नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है साइंस और टेक्नोलॉजी की हमारी इस अद्भुत सीरीज में। अच्छे से पढ़ाई चल रही है, कंफर्म कीजिए कितने बच्चों ने अभी तक के सारे सेशन अच्छे से देख लिए। सबसे पहले तो मुझे आप ये कंफर्म कीजिए कि कितना सीरियसली आपने अभी तक के सारे सेशंस देखे। तो पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, मैं हूं संदीप मानुधने और आज आपके लिए डेडिकेटेड साइंस और टेक्नोलॉजी का सेशन दोस्तों मैंने बनाया है वैक्सीन्स और कोरोना वायरस डिजीज पर, क्योंकि इसको लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। मैं आपको टेक्निकली सॉलिड पर्सपेक्टिव 1 आवर की क्लास में दूंगा। तो सबसे पहले ठोको ताली, बोलो संदीप सर जिंदाबाद। और प्यारे दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी वैक्सीन्स दुनिया में आ जाएंगी, इसके लिए हम सब काफी उम्मीद के साथ एक साइंटिस्ट कम्युनिटी की तरफ नजर गड़ाए बैठे हैं, लेकिन टेक्निकली सच क्या है वो समझना भी जरूरी है। आप सभी को ऑडियो और वीडियो बराबर दिख रहा है? हेलो सर, नमस्ते सर, आप सभी को मेरा आशीर्वाद। साहिल बोलते हैं पाए लागू सर, डबल आशीर्वाद, जो पांव पड़ेगा उसको हम डबल आशीर्वाद देंगे, दो साष्टांग दंडवत करेगा उसको हम ट्रिपल आशीर्वाद देंगे। प्यारे साथियों, अभी तक के सारे सेशंस आपने देख लिए हैं, आपको ऑडियो वीडियो एकदम बढ़िया मस्त दिखाई दे रहा है। अर्जिता गुप्ता बोल रही है सर हेंता वायरस भी आ गया, हेंता वायरस पे भी सेशन ले लेंगे, चिंता मत कीजिए। हेंता वायरस इसलिए ज्यादा नहीं फैलेगा प्यारे दोस्तों क्योंकि अब चाइना को अकल आ गई है और चाइना टूट पड़ेगा उसके ऊपर, और मुझे नहीं लगता कि हेंता वायरस फैलेगा। हमारा अभी ध्यान हम कोरोना वायरस पे लगाएं। वैसे ये यूपीएससी के एग्जामिनर भी बोल रहे होंगे अरे यार अब सवाल कितनी चीजों पर बनाए, चलो संदीप सर के सेशन देख लेते हैं, इसमें से सवाल बना लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपको ऑडियो वीडियो सब बराबर दिख रहा है? अरे यार ये हेंता हेंता पे ज्यादा मत जाओ, कोरोना वायरस पे फोकस रहो, अभी ज्यादा लेफ्ट राइट सेंटर मत करो। सब बराबर दिख रहा है ना? कंफर्म करो तो आगे बढ़ूं जल्दी से, कहीं भी दिक्कत हो तो बेटा मुझे आप बता दीजिएगा। अपने साथियों को जोड़ लीजिए, साथ में मम्मी पापा को भी जोड़ लीजिए, आज के सेशन में आपको आनंद आ जाएगा क्योंकि मैं आपको विज्ञान के झूले में झुलाऊंगा। और विज्ञान का झूला वो झूला है दोस्तों कि कितनी भी दुनिया की राजनीति आए जाए, अब देखो सब पाए लागू कर रहे हैं, कितने सेल्फिश लोग हैं इस दुनिया में, केवल शेष एक तो साष्टांग दंडवत भी कर रहा है। अरे बड़े बदमाश लोग हैं आजकल, पूछो मत भाई साहब। ये सिलेबस है दोस्तों, याद रखिएगा, हम इस पूरे सिलेबस को एक बेसिक लेवल पर यूट्यूब पर फ्री सेशन में कवर कर लेंगे और उसके बाद हमारे प्लस चैनल में सारा का सारा इन डेप्थ भी कवर होगा। क्लियर है? थैंक यू सो मच महेंद्र, आपने कंफर्म कर दिया, मेरी जान में जान आई। ये रहे सारे कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा इन पर सवाल बनेंगे ही बनेंगे, 100% बनेंगे। अभी तक मैंने आपके लिए 78 कॉन्सेप्ट्स कवर कर दिए हैं और ये सब एक यूनिक स्ट्रेटेजी के तहत है कि ये आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। इसको मैं 100 कॉन्सेप्ट तक ले जाऊंगा, लेकिन आज का पूरा सेशन प्योरली वैक्सीन्स, एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, इम्यूनिटी सिस्टम, कोरोना वायरस और नेचुरली दुनिया का सबसे बड़ा नहीं वायरस नहीं नेता डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे। I have two medicines which are absolutely good. We can try it. लोगों ने वो पी ली और मर गए। नाइजीरिया में लोग लगा रहे हैं, वहां की सरकार पागल हो रही है, अरे मत लगाओ, अभी ये प्रूवन नहीं है। तो कोई इतना बड़ा नेता जब इस तरह से बोलता ना, we're very hopeful that this medicine is going to be great for all of us. बहुत खतरे का संकेत होता है गुरु, तो अब आपको बताएंगे उसमें खतरा क्या है। उम्मीद तो पूरी है, लेकिन बेटा विज्ञान नेताओं के कहने पे नहीं चलता ना, दुनिया में सबसे बड़ा संकट ही तो ये है। यस और नो, शर्मिला बोलती है सर दीजिए आशीर्वाद। बेटा आशीर्वाद मांग रही हो कि डांट रही हो? आशीर्वाद शर्मिला जी, आप यूपीएससी में नंबर वन, नहीं नंबर वन तो उस दिन मैंने दूसरे को बोला था, नंबर टू आ जाए। प्यारे साथियों शुरू करते हैं। केतन बोलते हैं कि सर आपका कांटेक्ट नंबर जरा मुझे दे दो, जरा लपक के मुझे बहुत सारी क्विज कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी। क्या बात है बेटा, इसीलिए तो आ रहे हो इस क्लास में। तो आप शुरू करते हैं वैक्सीन्स एंड कोविड-19। ये एक बहुत ही आई ओपनिंग सेशन होगा, 1 full hour डेडिकेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ वैक्सीन्स एंड कोरोना वायरस, कि इससे हम कैसे लड़ रहे हैं, हम कहां पहुंचेंगे। और मैं आपको सत्य बताऊंगा, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं बताऊंगा। क्या आप सत्य सुन सकते हैं? सवाल सिर्फ ये है, आर यू विलिंग टू लिसन टू द ट्रूथ और डू यू वॉन्ट स्वीट लाइज? देखो सीधा सा सवाल है, क्या तुम्हें सच अच्छा लगता है, सुन सकते हो, क्षमता है, या तुम्हें मीठे मीठे झूठ सुनने हैं? पहले तो इसके ऊपर ही एक पोल हो जाए भैया। तो जल्दी से मुझे आप जरा कॉमेंट थ्रेड में बताइए कि आपको कड़वा सच सुनना है या मीठा मीठा झूठ सुनना है। जल्दी बताइए। तो अब शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आज का काम। आप रूडी सिंह बोलते हैं कि भैया 60% इंडियंस को लग रहा है कि कोरोना वायरस का थ्रेट ओवरस्टेटेड है, उसका ठीक उल्टा सत्य है दोस्तों, अंडरस्टेटेड है फिलहाल तो, अभी समय के साथ आपको दिखेगा। अभी आज का पूरा सेशन अटेंड कर लो बेटा, तुम एकदम एनलाइटेंड होके बाहर निकलोगे, ये हमारा आपको वादा रहा। अरे वादा कर ले जाने जा,
तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो के जुदा। बीच में सोशल मीडिया पे वो मीम भी आया था कि आजकल की दुनिया कैसे हो गई है, बाहर से कोई अंदर न आ सके, टाणा अंदर से कोई बाहर न जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। बॉबी मूवी का था, बॉबी मूवी ने 1970s में आग लगा दी थी, आग लगा दी थी, आग लगा दी थी। शुरू करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो खुद को सच्चाई से रूबरू करेंगे, हाउ एग्जैक्टली डिड दिस वायरस स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड, और उसके बाद इन चार्ट्स को 2 मिनट में देखने समझने के बाद हम उतरेंगे वैक्सीन्स के बेसिक फैक्ट्स पर। ये हिंदी की स्लाइड मैंने पहले ही दिखा दी क्योंकि वो हमला अभी होता ही होगा मेरे ऊपर। अरे सर हिंदी की स्लाइड दिखाओ, सर हिंदी की स्लाइड दिखाओ, सर कैसे टीचर हो आप, सर गंदे टीचर हो, सर ऐसा नहीं चल, उसके पहले ही दिखा दी मैंने कि भैया वो हमले मत करना मेरे ऊपर। तो ये है, मजाक कर रहा हूं यार, हंसी मजाक में रहा करो। एक तो तुम लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमजोर है यार, पढ़ाई लिखाई ने तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर को पूरी तरह से ऐसा लगता है कि वैक्सीन घोट दी तुम्हारे अंदर। ऐसा मत करो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो तो मजा आएगा पढ़ने में। ये रहा सारा का सारा आपके सामने कहानी, यस और नो। वैसे आपको एक बात बता दें, जो बॉबी मूवी है ना उसमें आपने अगर बुल्ले शाह वाली लाइनें सुनी है तो तुमको मजा आ जाएगा। बुल्ले शाह कौन थे, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी बता दो अबे, यूपीएससी के सिलेबस में बुल्ले शाह। क्या बात कर रहे हो सर, यूपीएससी के सिलेबस में बुल्ले शाह, हमने तो नाम ही नहीं सुना। अरे गुरु, तो मीडिएवल हिस्ट्री में बुल्ले शाह साहब सूफी मूवमेंट के कितने बड़े सूत्रधार रहे हैं, क्या आपको नहीं पता है? तो अगर आपने बुल्ले शाह के बारे में नहीं सुना तो यार हिस्ट्री के टीचर को बोले रहूंगा बुल्ले शाह की बातें सुनाए। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो बुल्ले शाह ये कहता, ये बॉबी मिल में उनका लिखा हुआ एक लाइन आया है। अरे बहुत बड़े बड़े लोग थे भैया, पूछो मत। हाउ द वायरस स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड, बड़े ध्यान से देखें आप। तो जब हमने देखा कि किस प्रकार 1 जनवरी, मैंने कल आपको कुछ बताया था याद है आपको, कि किस प्रकार 1 जनवरी को 8 डॉक्टरों को धर दबोचा था वुहान की पुलिस ने। वंदना बोलती है सर फ्रेंच में पढ़ाई है का? हाँ वंदना बेटा, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ बेटा, ये सब करनी तो मेरे को अनअकेडमी वालों ने काम पे रखा है। कि संदीप सर सारे फालतू के काम क्या करो तुम आके यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो वंदना को अलग अलग भाषाओं में पढ़ना अच्छा लगता है। क्या बात है, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया मैं आपको श्राप दे रहा हूँ, आप कभी भी जिंदगी में वुहान घूमने नहीं जा पाएंगे। जितनों ने अभी तक सेशन लाइक शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, करके दिखाएंगे नहीं लिखा, मेरा श्राप है तुम जिंदगी में कभी भी वुहान शहर घूमने नहीं जा पाओगे। देख लेना, बता रहा हूं कभी नहीं जा पाओगे वुहान शहर तुम। इस तरह से ये स्प्रेड हुआ। अ लार्ज पार्ट ऑफ द ब्लेम हैज टू लैंड द डोरस्टेप ऑफ शी जिनपिंग, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। शी जिनपिंग साहब ने जिस प्रकार से सूरज महाली पूछते हैं सर क्लास कब शुरू हुआ, बेटा 2:30 से चल रही है क्लास, तुम केवल 4.25 घंटे लेट हो, बाद में रिवाइज कर लेना। Now, we know very well that had Xi Jinping reacted first and in fact taken up transparently the whole issue, things would have been very, very different, yes or no? लेकिन ट्रू टू हिज अथॉरिटेरियन स्टाइल शी जिनपिंग डिड नॉट रिएक्ट, और शी जिनपिंग साहब ने चीजों को दबाया, जिस वजह से हुआ यह कि उसके कैरियर सब तरफ फैल गए। आप जानते हैं आज भारत में सबसे बड़ा खतरा क्या, ये पूरा सेशन खुले दिमाग से देखना, खुले दिमाग से समझना, क्योंकि अगले 120 दिन हम सब इसके अंदर ही है ना, अब इससे बाहर कोई निकल नहीं सकता, हम इस पूरी क्राइसिस में से होके निकलेंगे, ठीक है? तो कोई ऐसा तो है नहीं कि साइड स्टेप कर जाओगे, बाईपास कर जाओगे, इसलिए अब इसको तो हेड ऑन ले लो, इस पूरे डेविल को, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अंग्रेजी भाषा का बड़ा अच्छा ये वर्बल इडियम है, टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स। एक इडियम क्या होता है हमें बताइएगा, टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स क्या होता है बताइए। अंग्रेजी का पेपर भी सीसैट के साथ साथ, सीसैट में तो खैर अंग्रेजी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू आती है, मेंस में आपको पता ही अंग्रेजी का एक पेपर भी होता है, इसलिए अंग्रेजी सीखते चलिए, नुकसान कुछ नहीं होगा। तो अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो फैला, कैरियर से, हमारे बीच भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर कोरोना वायरस है लेकिन वो सिम्टम शो नहीं कर रहे हैं, हो सकता है उनमें बीमारी भी कभी नहीं है, लेकिन दे आर एक्टिव कैरियर्स एंड दे आर स्प्रेडर्स, वो सबको स्प्रेड करते चले जाएंगे। इसीलिए मैं जनवरी से ये बोलता आ रहा हूं दोस्तों मेरे सेशंस में कि टेस्टिंग 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 टेस्टिंग, अभी भी हमने स्केल अप नहीं किए टेस्टिंग। भारत में 2 चीजों की जरूरत है, डेली 10,000 टेस्टिंग करो और सारी टेस्टिंग फ्री करो। सरकार किस लिए होती है, स्टेट बनाया क्यों जाता है, व्हाई डू वी हैव अ सोवरेन गवर्नमेंट? लाइफ एंड डेथ क्राइसिस में अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो कब लेने वाले, मरने के बाद लेने वाले क्या भैया? जान है तो जान है, जान ही चली गई तो उसके बाद करोगे क्या? तो ये पूरा कब करोगे क्या, करो ना करोगे क्या? डेस्टिनी इट सीम्स और आयरनी इट सीम्स, आई मीन फेट इट सीम्स इज नॉट विदाउट अ सेंस ऑफ आयरनी, जैसे मैट्रिक्स में कहा गया था। तो प्यारे दोस्तों मजा आया आपको अभी तक का, तो एडीएम मुहावरे होते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, आ बैल मुझे मार, टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स का अर्थ आ बैल मुझे मार नहीं होता है। टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है किसी बड़ी समस्या को सीधे रूबरू होकर टैकल करना, उस समस्या से दाएं बाएं भागना नहीं। टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है यू आर फेस विद अ वेरी बिग क्राइसिस, यू टेक इट बाय द हॉर्न्स, यानी उसको पकड़ लो और अब उससे जूझ जाओ। समझ में आया आपको, दैट इज द मीनिंग ऑफ टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न। परीक्षाओं में ऐसी चीजें आती रहेंगी इसलिए मैं आपको बताते रहता हूं। तो दोस्तों
अब समस्या यह है कि आखिर इससे निपटा कैसे जाएगा। तो तरह तरह की बातें, रौनक बोलता सर आप बहुत मस्त कॉमेडियन बन सकते हो। हाँ रौनक मैं एक्चुअली वही बनना चाहता था लाइफ में, वो गलती होगी बेटा, इस लाइन में आ गया 29 सालों से, फालतू में फोकट में जिंदगी बर्बाद कर ली मैंने अपनी, मैं तो कॉमेडियन मिमिक्री आर्टिस्ट सिंगर एक्टर ये सब बन सकता था, अब क्या कर सकते हैं, अब अगले जन्म में करेंगे, है कि नहीं। तो प्यारे साथियों इस तरह से ये सारी की सारी चीजें स्प्रेड हुई और ये है आज की स्थिति, और नेचुरली 2020 इसके नाम पे स्वाहा हो गया। तो सबसे बड़ी बात है कि दवाई कब आएगी। अब दवाई कब आएगी ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बताई चुकी कि दवाई तो आ चुकी है, वो तो तुम तक पहुंच जाएगी कल सुबह, ताकि जनता चुप रहे। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भारत की जो है वो बहुत बड़ा इन्वेंशन हुआ है, कौन कहता भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नहीं चल रही है। केतन बोलता है सर वाई कांट यूबीआर पीएम, अरे बिल्कुल बना दो, मुझे ऐश करा दूंगा तुम सबकी, सारी एग्जाम कैंसिल, सबको आईएएस बना दूंगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। मेरे प्यारे साथियों अब हम इस बात को समझते हैं कि एग्जैक्टली वैक्सीन कब आएगी। जैसा मैंने कहा इससे पहले कि मैं तकनीकी चीजों में उतरूं, यह सब सिलेबस का हिस्सा है, यह सब आपके जीवन का हिस्सा चाहे अनचाहे बन चुका है अगले 4 से 5 महीनों के लिए। खुल के पढ़िएगा, खुल के समझिएगा, और यह सच है और इसलिए यह बहुत कड़वा है, उसके लिए मैं एडवांस में आपसे माफी मांग चुका हूं। तो आप सबने तो मुझे माफ कर ही दिया, अच्छे शिष्य वो होते हैं जो अपने गुरु की सारी गलतियों को माफ कर दें। आजकल तो सच बोलने से बड़ी कोई गलती नहीं भाई साहब। वैक्सीन्स बेसिक फैक्ट्स फर्स्ट, सबसे प्रमुख तथ्य सबसे पहले समझेंगे, जीरो से पढ़ाऊंगा और इसके साथ आपकी ये स्टडी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसके बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, समझ में आया आपको। शुरू करें शुरू करें शुरू करें शुरू करें। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि आखिर वैक्सीन्स गिव ह्यूमंस इम्यूनिटी टू अ डिजीज विदाउट मेकिंग देम सिक, हमने पहले पढ़ा है लेकिन आज बहुत गहराई से पढ़ेंगे। एक एक चीज का हिंदीकरण आपके सामने है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाइए। हमारे मानव शरीर में इंसान मुश्किल से पिछले 5 लाख सालों में उठ के आया, होमो सेपियंस, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सेपियंस किताब है, ये खरीद लेनी है अगले 6 महीने 12 महीने 18 महीने 2 साल 3 साल, जब पैसे आ जाएं और जब इच्छा हो जाए तब खरीद लेना, और जब तुमको ऐसा लगता है कि अब तुम्हारा टाइम कुछ एक्स्ट्रा है और पढ़ सकते हो, सेपियंस किताब को पढ़ लेना। तो ह्यूमंस में इम्यूनिटी आई, बेसिकली 2 प्रकार की इम्यूनिटी होती है, थोड़ा स्ट्रेच करके देखें तो 4 प्रकार की इम्यूनिटी होती है, हमारे शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली। जो जानवर हमसे पहले करोड़ों करोड़ों सालों से रह रहे हैं उनके अंदर भी इम्यूनिटी सिस्टम है, क्योंकि सबसे पहले जो जानवर इस पृथ्वी पर आए 350 करोड़ ईयर्स वो थे माइक्रोब्स, यानी कि सूक्ष्म जीव, उसमें बैक्टीरिया आ गए, उसमें वायरसेस आ गए, उसमें सारे के सारे फंगस आ गए, उसमें दूसरे सब आ गए, 4 प्रकार के होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उनसे लड़ने के लिए बाकियों को अपने अंदर डेवलप करना पड़ा, और मैंने साइटोकाइन स्टॉर्म आपको जब पढ़ाया था तब ये चीज बेसिक लेवल पे पढ़ा दी थी, लेकिन आज फोकस सेशन है तो पहला बिंदु क्लियर हुआ कि नहीं। मैं तेज तो नहीं जा रहा हूं ये बताइए, समझ में आया कि नहीं आपको। पलक सिन्हा बोलती है कि सर मेडिसिन आ गया है COVID-19 के लिए। पलक आपको हमारा सादर प्रणाम समर्पित है, आप इस देश को बचा के निकाल के ले जाएंगी, ये हमारी पूरी उम्मीद ही नहीं विश्वास भी है, करके दिखाएंगे। सबका साथ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये सेशन ढंग से अटेंड कर लो तुमको सही ज्ञान मिल जाएगा, जरा खुले दिमाग से अटेंड कर लो भाई, इतनी जल्दी में मत रहो, अभी ना तो मेडिसिन आई है ना वैक्सीन आया है। अगर किसी ने भी आपको ये बताया कि मेडिसिन और वैक्सीन आ गई है तो तुम्हें ये सेशन तो सबसे ज्यादा अटेंड करने की जरूरत है फिर आज, समझ में आया। इंद्रराज बोलते हैं कि सर आप बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हो, मतलब ये आरोप है कि तारीफ है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ओके नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वैक्सीन्स आर मेड यूजिंग किल्ड और वीकेंड वर्जन्स ऑफ द डिजीज कॉजिंग जर्म और पार्ट ऑफ द जर्म। मैं जो ये आपको आज पढ़ा रहा हूं ना, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप तक जब सच या झूठ पहुंचेगा अगले 120 150 दिनों में, तब आपको यह मालूम होना चाहिए कि कौन आपको उल्लू बना रहा है और कौन आपको सच बोल रहा है। ये ताकत अगर आप में आ गई फिर आपको कोई भी उल्लू नहीं बनाएगा, और उल्लू बनना तो अच्छी बात नहीं है ना भैया, यस और नो। प्यारे साथियों अब समझते हैं इस बात को कि वैक्सीन्स होते क्या हैं। जितने कीटाणु या कीटाणुओं के हिस्से एंटीजन, आप बोलेंगे सर ये एंटीजन क्या होते हैं, देखो दोस्तों एंटीजन इसको कहते हैं, ये आपको दिख रहा है यहां पर अभी आ रहे हैं इसमें, ये एंटीजन को जो फसा ले उसके शेप से मिलता जुलता वो एंटीबॉडी होता है, और ये अलग अलग प्रकार के एंटीजन होते हैं, इन्हें पैथोजन, इन्हें जो शरीर में हमारे बीमारी पैदा करे, मैं अभी पीछे जाऊंगा ये सिर्फ दिखाने के लिए हिलाया हूं, पैथोजन इन्हें बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु, वो दिख रहा है ना आपको लेफ्ट साइड में लाल रंग का गोला, वो पैथोजन है, इन्हें बीमारी पैदा करने वाला कीटाणु, उसके अलग अलग हिस्से निकले हुए उनको एंटीजन कहते हैं, बात समझ में आया। हर एंटीजन से जाके जो फंस जाए निष्क्रिय करने के लिए उसको शरीर का एंटीबॉडी कहते हैं, समझ में आया आपको। चलिए अब वापस आएंगे इसके ऊपर, 1 मिनट में आ रहे हैं इसके ऊपर दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको, और आप बिल्कुल ज्ञानी परम सत्य जानने वाले बनके निकलोगे, ये वादा है हमारा। कई बार हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से भी प्यारे साथियों अलग अलग प्रकार के एंटीजन बना सकते हैं जो हमारे शरीर में जाएंगे, यस और नो, समझ में आया आपको।
कमल खंडेलवाल अभी अभी जुड़े हैं, बोले सर एक और हंटा वायरस आया है। हाँ आया है, अरे शुरू के 5 मिनट हंता वायरस के नाम पे कुर्बान हुए आज के सेशन में। अब तुम लोग टाइम पे आते नहीं हो तो फिर हंता हंता करते हो। प्यारे साथियों, वायरसेस और बैक्टीरिया टेकन वीकेंड एंड देन मेड इनकेपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग, हमारे शरीर में घुसाने से पहले आप उसको पाउडर फॉर्म में भी घुसा सकते हो, इंजेक्शन से भी दे सकते हो, इनहेल भी करवा सकते हो, कई कई तरीके होते हैं वैक्सीन की डिलीवरी करने के। ये समझ में आया कि नहीं आपको? आ रहे हैं उसके ऊपर, आ रहे हैं उसके ऊपर। प्यारे साथियों, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, उन्हें हम पूरी तरह से निष्क्रिय करके शरीर में डालते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाकर एक मेमोरी क्रिएट कर ले। ये फंडा बहुत अच्छे से समझ लेना, मेमोरी क्रिएट करने का। समझ में आया आपको? मेमोरी क्रिएट करने का मतलब यह होता है प्यारे साथियों कि आपका शरीर लाखों सालों में यह सीख गया है कि मेरा दुश्मन कौन है। जो भी दुश्मन होता है शरीर में एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है, वो मेमोरी ता उम्र चलती है, जब तक आप जिंदा हैं तब तक वो मेमोरी चलेगी और आपसे अगली पीढ़ी में भी जाती है। मैं अब तक 4 बार आपको वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स मूवी देखने की सलाह दे चुका हूं, इसीलिए दी है। मैं इतने सालों से जब से वो मूवी बनी हर बच्चे को बोलता हूं वॉर ऑफ द वर्ल्ड देखना, उसके आखिरी की 2 मिनट की कमेंट्री, जिसने वो देख लिए समझ लिए उसको ये पूरा सेशन बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। जिन्होंने नहीं देखी है आज देखिएगा, आपके सिलेबस का हिस्सा है बेटा। एंटीबॉडी अंडरगो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ना, हम जिम जाते हैं। हम जिम क्यों जाते हैं दोस्तों? ताकि हमारी बॉडी बिल्डिंग हो। बॉडी बिल्डिंग होती है लगातार एक्सरसाइज करने से, तो ये बॉडी बिल्डिंग है, हमारे इम्यून सिस्टम की बॉडी बिल्डिंग है। ये फंडा समझ में आया कि नहीं आपको? यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो प्यारे साथियों, आप में से कितने लोग जिम जाते हैं, रोजाना एक्सरसाइज करते हैं? अब तो कोई बहाना भी नहीं बचा कि मैं बहुत बिजी हूं, सब तो घर में पड़े हुए हैं, तो बहाना क्या है? तो भैया वॉकिंग ही कर लो घर के अंदर, या किसी बड़ी मल्टी में रहते हो तो ज्यादा अच्छा वॉकिंग कर लो, लेकिन 5 लोग तो झुंड बना के मत चलना कि आओ आओ जरा थोड़ा सोशलाइजिंग करें। तो प्रधानमंत्री एक और बोल बोल के गला बैठ गया उनका सोशल डिस्टेंसिंग, और यहाँ लोग साथ में बैठ के पत्ते खेल रहे हैं। अरे वो वायरस यही चाहता है कि तुम पत्ते खेलो साथ में बैठ के। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैं बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि हर बच्चा थोड़ी अप टू स्पीड आ जाए, उसके बाद एकदम फुल स्पीड में गाड़ी को झकझक झकझक दौड़ा देंगे। अब इनेट या पैसिव, बिल्कुल सही है अदिति, आपने सही बोला। इसके अलावा और 2 भी होते हैं। परवीन बोलते हैं वो मूवी हमने देख ली, बहुत अच्छा काम किया आपने बेटा, वो मूवी देखनी ही चाहिए। चलिए गुड गुड गुड। हिरंजन विश्वास ने बोला आज पक्का देखूंगा सर, कल रिपोर्ट करूंगा आपको, ये हुई ना बात। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ें, यहां तक का सब समझ में आ गया होगा, कोई शक कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट स्टेप। तो वैक्सीन काम कैसे करते हैं ये हमें स्कूल में पढ़ाया गया था, आज फिर से पढ़ने का समय आ गया। थैंक्स टू कोरोना वायरस वी गॉट अ डेड फॉर्म ऑफ द जर्म इंट्रोड्यूस इन द बॉडी, दिस स्पार्क्स द इम्यून रिस्पॉन्स टू डेवलप एंटीबॉडीज एंड द एंटीबॉडीज फाइट ऑफ द जर्म इफ इट इन्वेड्स अगेन। बस बात हो गई पूरी की पूरी। तो मेमोरी क्रिएट हो गई, अब आप उससे लड़ सकते हैं, सब कर सकते हैं, क्लियर है बेटा। अब ये एंटीबॉडीज एंटीजेंस क्या होते हैं इनकी परिभाषा देखनी पड़ेगी। हर्ड इम्यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट मैं फिर से लेकर आ गया हूं, कितने बच्चों को याद है मैंने आपको हर्ड इम्यूनिटी पढ़ाई थी। हर्ड इम्यूनिटी यानी सामुदायिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। बोरिस जॉनसन यूके में हर्ड इम्यूनिटी करने के चक्कर में बहुत बड़ी गलती कर गए, फिर अक्कल आ गई उनको कि इसमें तो मौत ही हो जाएगी, क्योंकि कितना समय लगेगा कोरोना वायरस के प्रति हर्ड इम्यूनिटी आने में, तो किसी को पता ही नहीं था। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हर्ड इम्यूनिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर आप ये माने कि दुनिया में आज वैक्सीन हेजिटेंसी नाम का पागलपन चल रहा है, यस और नो? दुनिया में आज वैक्सीन हेजिटेंसी नाम का पागलपन चल रहा है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि वैक्सीन हम क्यों लगवाएं, क्योंकि इसमें तो हम शरीर में कीड़े डाल रहे हैं। मतलब इतने 100 साल की रामायण होगी, उसके बाद फिर से वो चैप्टर 1 पे चले गए। अब जो लोग वैक्सीन्स, और वैक्सीन से मेरा मतलब है, बहुत ध्यान से सुनना इस लाइन को, प्रॉपर मेडिकल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस से निकलकर अप्रूव होकर आई हुई वैक्सीन, किसी सड़क छाप झोला छाप डॉक्टर की बोली हुई वैक्सीन नहीं, अ प्रोसेस विच हैज गॉन थ्रू मिनिमम 12 to 16 to 18 to 24 months ऑफ टेस्टिंग। अरे वैक्सीन बनाने में मिनिमम 2 साल लगते हैं, क्योंकि मास टेस्टिंग करनी पड़ती है इंसानों पर। अब आपने फ्रांस के 36 लोगों पे टेस्टिंग की, 80 लोगों पे टेस्टिंग की, और उस पे थोड़े से रिजल्ट 2 केमिकल्स के ठीक आए, तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बोलते हैं अपने ट्वीट में कि वी फाउंड 2 केमिकल्स व्हिच आर फैंटास्टिक एंड वी गोना रेकमेंड दैट, तो फौची साहब को आके बोलना पड़ा कि नो नो वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज़ द मास टेस्टिंग इज नॉट बीइंग डन। फौची उनका राइट हैंड मैन इम्यूनोलॉजी एक्सपर्ट, जिसके होश उड़ गए कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोल दिया। तो प्यारे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिल्कुल गलत बोला, ऐसी कोई टेस्टिंग नहीं हुई है। वो फ्रांस में सिर्फ 80 लोगों पे हुई, अभी आपको 8000 लोगों पे टेस्टिंग करनी है, हो सकता है उसके बाद वो दोनों केमिकल बेकार हो जाएं। इसलिए हमें जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है, ये मैं एंड में वापस आऊंगा। आई एम सॉरी टू ब्रेक द इल्यूजन, बट दिस इज हाउ साइंटिस्ट हैव रिस्पॉन्डेड।
ऑफ कोर्स डेमागॉग्स विल हैव अ डिफरेंट अप्रोच टू इट, टू विच आई कैन डू नथिंग, लेकिन अगर हम सच को समझेंगे ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। संदीप चौहान बोलते, सर आपको डर नहीं लग रहा है? बहुत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तूफाना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है, सांस टूटते ही सब रिश्ते छूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे। लोग मौत से इतना डरते हैं कि पूछो मत, जबकि मौत ही एकमात्र सर्टेंटी है लाइफ की। इसका मतलब नहीं कि हम आगे बढ़ के मौत को गले लगा लें, बिल्कुल नहीं, लेकिन इरेशनल फियर लेके लोग बैठे हैं तो लोग सत्य भी नहीं सुनना चाहते हैं। चलो वापस इस पर आते हैं, ज्ञान गुप्ता बहुत हो गया, मेन चीज पे बात करो। हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा चुका हूं इसलिए वापस नहीं पढ़ाऊंगा, समझ में आया कि नहीं आपको? तो फौची साहब जो है ना वो बहुत ही मजेदार इंसान है, उन्होंने तुरंत अपने ही प्रेसिडेंट को पूरी तरह से खारिज भी कर दिया। अभी आते हैं आ रहे हैं। तो यहां तक सब क्लियर है। वैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे तो 25 वैक्सीन लॉन्च भी हो गए हैं, उसमें से अगर आपका बस चले तो मोबाइल स्क्रीन में हाथ घुसेड़ के लोग वैक्सीन निकाल के अपने शरीर में घुसेड़ लें, लेकिन वो अभी तक उस लेवल पे पहुंचा नहीं है। 3D होलोग्राफिक वो किसी भी दिन पहुंच भी जाएगा। अब बेटा डेफिनेशंस याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। डेफिनेशंस ध्यान रखो, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात इम्यून सिस्टम, दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तीसरा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, चौथा एंटीबॉडीज, पांचवा एंटीजेंस। कुछ भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, समझ में आया आपको? पांचों की परिभाषा बता रहा हूं, पांचों के ऊपर आपको चार्ट्स भी दिखाऊंगा ताकि ये टॉपिक पूरा कवर हो जाए। कोरोना वायरस का वैक्सीन कब आएगा, कैसे आएगा, वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन अभी इसको समझना बहुत जरूरी है। निशान सिंह बोलते हैं वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। अरे भाई ऐसा है कि सिख कम्युनिटी के लिए हमारे दिल में इतना ज्यादा सम्मान है क्योंकि जो सिखी की अवधारणा है कि इंसानियत एक है, इंसानों का फायदा करो, तो इसलिए सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। सिखों की बात ही अलग है यार, बड़ी शानदार कौम है और हमेशा इंसानियत की मदद के लिए सबसे आगे लाइन में खड़े रहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का मतलब है हमारे शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली, द बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन अ लिविंग बीइंग दैट फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। परिभाषा समझ में आ गई कि नहीं? हमारे शरीर की वो सभी चीजें प्यारे दोस्तों जो किसी भी तरह से अंदर घुसने वाले विदेशी प्राणियों को मारेगी। एक बोलता सर आपको 29 अप्रैल से डर नहीं लग रहा? मैं गारंटी दे रहा हूं उल्लू बना रहा है, वो मीटियोराइट आने वाले वाला है नहीं, मेरे को तो इतने साल हो गए देखते हुए, बस उल्लू बना बना के निकल जाते हैं लेफ्ट राइट से। किसी दिन आओ तो सही, आओ कभी हवेली पे, आते ही नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, 350 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर बने सूक्ष्म जीव, समझ में आया कि नहीं? 350 करोड़ ईयर्स अगो वी हैड द वेरी फर्स्ट फॉसिल एविडेंसेस ऑफ माइक्रोब्स अवेलेबल, यस और नो ये बताइए। तो आपके पास सारे जीवाश्म सबूत मौजूद हैं प्यारे दोस्तों कि भैया ये थे, यस और नो ये बताइए मुझे। नाउ अ माइक्रोब इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट मे एग्जिस्ट इन अ सिंगल सेल फॉर्म और इन अ कॉलोनी एंड अ वेरी वेरी डाइवर्स। तो ये वो सूक्ष्म जीव हैं जो या तो एक कोशिका वाले हैं, हमने वायरसेस के बारे में कितना कुछ देखा, हालांकि वायरस सेल्स नहीं है, वायरसेस आर इनएक्टिव पार्टिकल, दे आर नॉट लाइव पार्टिकल, लेकिन प्यारे साथियों अल्टीमेटली यूनिसेलुलर या कॉलोनी में पाते हैं। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या होता है, अनुकूलित हो जाता है जो, इट इज अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल इम्यून सिस्टम कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज सिस्टमिक सेल्स और प्रोसेसेस होते हैं, मतलब इसके अंदर विशेषीकृत, जैसे डॉक्टरी की भाषा में आप देखेंगे अलग अलग विशेषीकृत डॉक्टर आपको मिलते हैं, यस और नो। ये एक और आ गया हंता वायरस, अरे भैया टाइम पर आया करो हंता हंता, अरे नहीं मेरे संता बनता, हंता को साइड में रखा भी तू। प्यारे साथियों तो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में वो सभी विशेषीकृत जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना अलग अलग स्पेशलाइज, वैसी प्रोसेसेस होती हैं। और दूसरा होता है इनेट ह्यूमन सिस्टम, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज लड़ती हैं एंटीजन से, एंटीबॉडी क्या होती है प्यारे साथियों, एंटीबॉडीज आर लार्ज वाई शेप प्रोटीन्स। अब मैंने आपको प्रोटीन्स की बात की थी, हमने इतनी सारी बातें बेसिक केमिकल्स ऑफ लाइफ की कर ली हैं कि जीवन के लिए किस किस प्रकार की केमिकल होती हैं, समझ में आया आपको। शुभम लेखवार उस मीटियोराइट से फैसिनेटेड है, उनका कहना है कि कोई उल्का पिंड आ गया पृथ्वी पर और धूल का गुबार निकला तो सर उससे क्या अंधेरा छाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं, वो जो धूल का गुबार आएगा उसमें नए नए पौधे उगेंगे, फूल उगेंगे, पंछी उड़ने लगेंगे, पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में, कोयल के कोयल कू के ऐसी आवाजें सब तरफ से आएंगी, मधुर मधुर स्मेल सब तरफ आने लगेगी, बहुत अच्छा एक वातावरण निर्मित होगा जिसमें पूरी नई मानव प्रजाति का निर्माण होगा, ठीक है ना बेटा। एंटीबॉडीज आर वेरी लार्ज वाई शेप प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल्स यूज बाय इम्यून सिस्टम टू न्यूट्रलाइज पैथोजेंस, और पैथोजेंस एंटीजेंस, समझ में आ गया? ये बेटा आपको बिल्कुल रट लेना है, समझ में आ गया आपको कि नहीं? इसको रट लोगे एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आएगा, यस और नो।
योगेश जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े प्यार से कमेंट लिखा है, थैंक यू। चलिए दोस्तों, अब एक स्टेप आगे चलूं, अभी तक का सब समझ आ गया कि नहीं? यह है हमारे शरीर का ह्यूमन सिस्टम, पिछले 5 साल में डेवलप हुआ है, पिछले 5 साल, 5 लाख साल में, ऑफकोर्स 5 साल, पिछले 5 लाख साल में डेवलप हुआ है मानव शरीर का एक पूरा सिस्टम, इम्यून सिस्टम। यस और नो, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? इसके सारे अवयव देख लीजिए, द वेरियस पार्ट्स ऑफ इट। ये है हमारे बॉडी का पूरा इम्यून सिस्टम, बहुत ध्यान से देख लो बेटा। तो ये हमें बचाता है सारे विदेशी पार्टिकल से, कि किसी भी तरह हमारे शरीर में पार्टिकल्स ना घुस जाएं, और अगर घुसे तो जिंदा बाहर ना निकल जाए। एक ने पूछा, व्हाई इज चाइना फैसिनेटेड फॉर वाइल्ड लाइफ मीट? वही उनका कल्चर है दोस्तों। कल्चर स्टैटिक चीज नहीं होती है, एक बेसिक फंडा समझ लो। ह्यूमैनिटी जो यहां तक आई है, वी आर एन एग्लोमरेशन ऑफ कल्चर, संस्कृतियों का एक बहुत बड़ा समुच्चय है मानवता। और हर संस्कृति को ऐसा लगता है मैं सबसे ऊपर हूं, बाकी सब गधे हैं। हर संस्कृति को ऐसा लग रहा है, जैसे हर धर्म को लगता है कि मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत हैं। तो उनके वहां की संस्कृति में कंज्यूमिंग एनीथिंग लिविंग इज कंसिडर्ड परफेक्टली फेयर गेम, उन्हें उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है, एंड दैट्स हाउ दे डू इट। Perhaps after the past 6 months of experience, उनकी बहुत सारी आदतें धीरे धीरे सरकार बदलेगी, but they find it absolutely okay, क्योंकि हजारों सालों में वहां जिस तरह से विकास क्रम की प्रक्रिया रही है, वहां लोगों को उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, बल्कि उनको ये लगता होगा कि जो लोग ये नहीं खाते, कितने अजीब लोग हैं कि वो इन जानवरों को नहीं खाते। तो ये रिलेटिव होता है बेटा, इसमें कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं होता। ये समझ में आया कि नहीं? आई होप दिस इज टोटली क्लियर। नमोकार मंत्र, क्या बात है। तो ये पूरा क्लियर है दोस्तों, कोई शक इसमें? तो यह है हमारा इम्यून सिस्टम। हर इंसान में जन्म से यह मौजूद होता है, तभी तो हम इंसान हैं। होमो सेपियंस में माता पिता द्वारा इंटरजनरेशनल ट्रांसफर ऑटोमेटिकली होता है। केतन बोलते हैं, विल चाइना स्टिल ईट वाइल्ड लाइफ मीट? 100% वो बंद नहीं करेंगे, कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अब सुरक्षा बढ़ जाएगी, सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे इंसिडेंसेस कम हो जाएंगे। बेस्ट हिंदी सैड सॉन्ग, एक तो नाम ऐसा रखा है कि उस पर मेरे को जवाब ही नहीं देना चाहिए। बेस्ट हिंदी सैड सॉन्ग, आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, तुम अपना नाम जिस दिन सही रख लोगे उस दिन हम स्लो पढ़ाएंगे। तो आई होप दिस इज टोटली क्लियर। यस और नो, अभी तक का सब कुछ क्लियर है? एक स्टेप आगे चलें। अब बेटा ये है एंटीबॉडी, ये हमारे शरीर में पैदा हुई 6 प्रकार के एंटीजन से लड़ने के लिए वो अपने शेप को, वो मॉलिक्यूलर शेप को एडजस्ट करती है। अब आप पूछेंगे, सर ये ऑटोमेटिकली कैसे हो रहा है? ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं हो रहा है, ये करोड़ों साल का एवोल्यूशन है, ये करोड़ों साल की विकास क्रम की धीरे 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 होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार से एंटीबॉडीज एंटीजन से लड़ने के लिए शरीर में पैदा की गई। ये डायग्राम समझ में आया? अब फिर से उस डायग्राम पर आते हैं। मैं आपको बस ये दिमाग में बिठा देना चाहता हूं कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। पैथोजेंस के ऊपर ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस होते हैं, ये तो एक सिंबॉलिक इमेज है। उसके जो शरीर के हिस्से निकले हुए हैं वो एंटीजेंस हैं, और हमारे शरीर को ये बात लाखों करोड़ों सालों में पता चल गई है। तो हमारे शरीर ने ऐसे केमिकल बना लिए जिनका नाम है एंटीबॉडी। अब आप पूछेंगे, हमारे शरीर को ये पता कैसे चला? प्यारे दोस्तों, ये हमारे शरीर को पता ऐसे चला कि हम कर करके यहां आए। बाय द टोल ऑफ अ बिलियन डेथ्स मैन हैज अर्नड हिज इम्यूनिटी, वॉर ऑफ द वर्ल्ड की कमेंट्री है ना, बस उसमें सब कुछ है यार। तो आज वो कमेंट्री आप मुझसे अगर पूरी फिर से सुनना चाहते हैं तो मैं फिर से सुना दूंगा, पब्लिक डिमांड पर। डिमांड आएगी तो हम सुनाएंगे। और वैसे गाना आप कौन सा सुनना चाहते हैं लिख के बताओ, उसमें से कोई एक गाना जो हमें आता है और अच्छा लगता हम जरूर आपको सुनाएंगे। एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग तरीके से लॉक होते हैं, और एक बार एंटीबॉडी ने लॉक कर लिया तो फिर पीछे पीछे साइटोकाइंस अपना चमत्कार दिखाना शुरू करते हैं और टी सेल्स एक्टिव होते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है। एचआईवी एड्स की जो बीमारी होती है दोस्तों, वो हमारे इसी इम्यून सिस्टम को बर्बाद करने की बीमारी है। तो आपसे कोई पूछे कि एचआईवी एड्स क्या होता है, ये जो श्याम कुमार ये 10वीं बार लिख रहा है मोगैम्बो खुश हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम। मैं बहुत डरा हुआ था कि मोगैम्बो अभी तक खुश नहीं हुआ है, आप खुश हो गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, मेरा जीवन आज सफल हो गया, सच्ची बता रहा हूं बेटा तुमको। माई डियर स्टूडेंट्स, ज्योति लिख रही, यू शुड यूज पेन इन द डायग्राम, मैं बिल्कुल करूंगा ज्योति। वो लॉकडाउन के चलते बहुत सारे प्लान थे वो भी सब हेवायर हो गए, बट ठीक है। तो इस तरह से ये लॉक होता है। एचआईवी एड्स क्या करता है, अब उस चीज को समझ लो। यहां पर अगर एग्जाम में किसी ने आपसे पूछा कि एचआईवी एड्स में क्या होता है, उस चीज को हमको समझना बहुत जरूरी है। एचआईवी एड्स बेसिकली आपकी इस पूरी इम्यून सिस्टम के टी सेल्स को खत्म करना शुरू कर देता है। तो आप सर्दी जुकाम से मर सकते हो,
देखिए, आज आपको सर्दी जुकाम होता है, अभी कोरोना वायरस वगैरह भूल जाओ, नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है। अभी तो किसी को नॉर्मल सर्दी जुकाम भी हुआ तो वो बिल्कुल थर 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 ऐसा कांप रहा है कि बिल्डिंग हिल रही है पूरी। हर किसी को कोरोना वायरस नहीं पकड़ेगा, आप प्लीज डरिए मत, लेकिन कम से कम समझिए तो सही। तो जब सर्दी जुकाम होता है तो वो जो वायरस है सर्दी जुकाम आपके शरीर में लाते हैं, हमारी बॉडी उनसे लड़ती है। दवाई लोगे तो 7 दिन में ठीक होगे, दवाई नहीं लोगे तो 1 सप्ताह में ठीक हो जाओगे, शरीर में वो होता है। HIV एड्स उस प्रोसेस को खत्म कर देता है, तो आप सर्दी जुकाम से भी मर सकते हैं। फंडा समझ में आया ना? अल्टीमेटली बीमारी तो मारने के लिए आती ना शरीर में, शरीर लड़ लेता है, कहानी सारी की सारी ये है। यस और नो? आई होप दिस इज टोटली क्लियर। अभी तक का सब क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ मुझे आप, यस और नो, यस और नो, यस और नो, ठीक है। चलिए ये कुछ और टेक्निकल, जस्ट आपके पास रिकॉर्ड में होना चाहिए इसलिए दिखा रहा हूं, एंटीबॉडी एंटीजन की लड़ाई। अब बीच में बैक्टीरिया है, बहुत ध्यान से देखिए उस बैक्टीरिया के शरीर पर निकले हुए एंटीजन को, बहुत ध्यान से देखिए। यस और नो? समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? चलिए, वेरी गुड। अब इसको बहुत ध्यान से इस एनिमेशन को देखिए। द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज बाइंडिंग टू द पार्टिकल। ये एंटीबॉडी सिग्नल कर रहे हैं इम्यून सेल्स को, और इम्यून सेल्स को बोल रहे हैं एंटीबॉडीज की आओ और हमला करो। फिर जैसे ही ये सिग्नल जाता है तो इम्यून सेल्स आएंगे और इसके ऊपर हमला करेंगे, पंचिंग होल इन दी सेल। कैंसर सेल बोला है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरसेस भी हो सकता है। तो एंटीबॉडीज का रोल यही है कि वो आके एंटीजन में घुसेंगे, वहां से वो केमिकल सिग्नल भेजे। हमारी पूरी बॉडी दरअसल केमिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, हमारा पूरा दिमाग पूरी तरह से केमिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे चलता है। और ये पूरा का पूरा सिग्नल आया, ये सेल्स आए, इनसे लड़े, जब तक ये पूरी प्रोसेस कंट्रोल में चल रही है तब तक सब ठीक है। जिस दिन ये प्रोसेस कंट्रोल के बाहर हो गई उस दिन ये सब कुछ बर्बाद हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम खुद हम पे हमला कर सकता है। साइटोकाइन स्टॉर्म वही होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर बेकाबू हो जाए, जैसे कि अगर कोई पुलिस फोर्स को बोला जाए कि गुंडों को मारो, और वो गुंडों को मारते 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 आम नागरिकों पर गोलियां बरसाने लगे, तो एग्जैक्टली द सेम थिंग, सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं वहीं से निकलते हैं, और वो बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि आपका शरीर आप पे हमला करने लगता है। ये फंडा पूरा समझ में आ गया? अब वैक्सीन्स के बेसिक फैक्ट समझ लो। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं कि ये समझने के बाद तुम्हें एक बहुत मूल सत्य नीचे जो लाल लाइन में दिखाई दे रहा है उसको पढ़ो। ये सत्य बताने के लिए मुझे तुम्हें दूसरे ये बहुत सारे सत्य पहले बताना जरूरी है। केमिकल लोचा किसी को याद आ रहा है? बिल्कुल सही बोल रहे हो, केमिकल लोचा ही है। हमारा पूरा शरीर केमिकल और इलेक्ट्रिक से ही बना हुआ है, समझ में आया? चलिए अब शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली वैक्सीन्स के कुछ बेसिक फैक्ट्स क्या हैं। वैक्सीनेशन इज अ वेरी इफेक्टिव वे, वैक्सीन हेल्प्स इट टू रिकॉग्नाइज एंड फाइट। 25 से ज्यादा खतरनाक बीमारियों से वैक्सीन हमको बचा लेते हैं। बहुत से बच्चों को दुनिया में वैक्सीन मिल रहे हैं, लेकिन आज भी 20 करोड़ के आसपास बच्चे ऐसे हैं जिनको वैक्सीन मिल ही नहीं पा रहा है। कोशिश पूरी हो रही है, भारत में इंद्रधनुष पूरा का पूरा स्कीम चल रही है। अभी भारत सरकार ने इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष स्कीम लाई है, ये मालूम है कि नहीं आपको? समीर पटनायक, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पीटी एजुकेशन में हमारे MBA का कोर्स कर चुके हैं, वेरी नाइस टू सी यू हियर। पढ़िए साथ में, खूब जीवन में आगे बढ़िए, हमारा आशीर्वाद तब भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है, और करके दिखाएंगे, जरूर लिख दीजिएगा बेटा। वेरी गुड। हाउ डू दे बिकम अनकंट्रोल्ड? वही तो है ना बेटा, अनकंट्रोल बैलेंस बिगड़ जाता है केमिकल जब तब। नाउ बिकॉज दिस वर्ल्ड इज अल्टीमेटली अ वर्ल्ड ऑफ वाइब्रेशन, यहां कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। ये समझ में आ गया आपको वैक्सीन क्या करती हैं? अब फिजिकल प्रोसेस, तो इसकी भौतिक प्रक्रिया क्या होती है? हमारे शरीर में जैसी वैक्सीन लगा उसके 3 स्टेप पढ़ लो अच्छे से। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली क्या करती है अच्छे से देखो। इट रिकॉग्नाइजेस द इन्वेडिंग जर्म, वायरस बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज कर लेती है फटाफट, समझ में आया, और फिर वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। और एंटीबॉडीज प्रोटीन्स हैं जो आगे के लिए अब तैयार हो गए हैं, ये बेसिकली जिम में जाने की प्रोसेस है, अब बॉडी तैयार होती चली जा रही है, समझ में आया? ये जो प्रोसेस जिसने समझ ली ना, उसको अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि कोरोना वायरस COVID-19 का वैक्सीन किस दिन आने वाला है। अभी उसका वैक्सीन नहीं आया है, उसकी कोई दवाई नहीं आई है, पक्की दवाई। पक्की दवाई से मतलब होता है दुनिया भर के वैज्ञानिकों के सील सिक्के लग जाते हैं
और उसके बाद दुनिया में कोई भी आदमी उसको ले ले गारंटी है, वो मरेगा नहीं, वो ठीक होकर निकलेगा 99.9। उसको दवाई कहते हैं। दवाई वो नहीं है जो किसी एक नेता ने बोली हाँ ये ले लो बेटा, उसमें 1000 लोग लेंगे तो 900 मर जाएंगे। आई होप आप समझ रहे हैं दवाई और वैक्सीन का मतलब क्या होता है। ये मतलब होता है दवाई और वैक्सीन का। अब वो समझने के लिए इस प्रोसेस को समझो। 1 2 3 समझ में आ गया कैसे हो रहा है? यस और नो जल्दी बोलो। नाउ जीवन भर के लिए वो तैयार हो गया। ये करोड़ों सालों में क्या हुआ है वो बता रहा हूं। सिर्फ इसको एक बार नजर से निकालो, इसको सिर्फ नजर से निकालो। एक ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन एंड मेडिसिन। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। मेडिसिन आर टेम्पररी ट्रीटमेंट, वैक्सीन आर परमानेंट ट्रीटमेंट। बस इतना ध्यान रखना बेटा। समझ में आया? नेक्स्ट, आखिर समय इतना क्यों लगता है वैक्सीन बनाने के लिए? प्रांशु वर्मा बोलते हैं कि कैन यू रेकमेंड द सोर्स ऑफ योर करंट अफेयर्स अन अकेडमी, व्हाई टेक्स सो लॉन्ग टू प्रोड्यूस वैक्सीन, टीकों के उत्पादन में इतना लंबा समय क्यों लगता है? इसके सारे इंग्रेडिएंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट, ये है ये स्लाइड जो तुमको समझनी है बेटा, बस एक स्लाइड कि कोरोना वायरस की वैक्सीन किस तारीख को आएगी, ये है स्लाइड जिसमें जवाब तुमको मिलेगा। समझ में आया? समझ में आया? तुकेश्वर बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों की बातों में मत आना। मुझे बड़ा मजा आया पढ़ के, मतलब डोनाल्ड ट्रंप पास की गली में ही घूम रहा है इनके गांव की, ये डोनाल्ड ट्रंप घूम रहा है इसकी बातों में मत आना रे, बहुत फेंकता है। एनीवे फेंकता तो वो है यार, इसमें तो कोई शक किसी को भी नहीं होना चाहिए। और वो क्यों इतना फेंकते हैं वो भी आपको बताऊंगा, उसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन भी है। एंटीजन, एडजुवेटेंट्स, प्रिजर्वेटिव, स्टेबिलाइजर्स, चार चीजें हैं प्यारे साथियों जो टीके में होती हैं। किसी भी वैक्सीन का जो लेबलिंग होता है ना, बड़ा स्ट्रिक्ट लेबलिंग प्रोटोकॉल होता है, उस लेबलिंग प्रोटोकॉल को आप जब पढ़ोगे तो आपको इसमें कैंसर की कोई वैक्सीन है, बिल्कुल है बेटा, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन होती है। अरे सैकड़ों तरह के कैंसर होते हैं बेटा, हर कैंसर की वैक्सीन नहीं है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर की हो गई है, जो महिलाओं को होता है ना सर्वाइकल कैंसर, बहुत जानलेवा होता है, बहुत भयानक रूप से उसमें मौतों का रेट होता है। तो कैंसर बेसिकली क्या होता है? अनकंट्रोल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कैंसरस सेल, दैट्स इट। वो एक कैंसरस सेल होता है, वो मल्टीप्लाई करता चला जाता है, तो पूरा ऑर्गन ही ढह जाता है उसके चक्कर में, क्योंकि वो अनकंट्रोल फैल जाता है। तो सर्वाइकल कैंसर को रोकने की वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कैंसर है जिनको रोकने की कोई वैक्सीन ही नहीं, बिकॉज एवरी कैंसर इज यूनिक, ऑल्दो द फंडामेंटल प्रोसेस इज द सेम, बट हर किसी की पैथोलॉजी, हर किसी का पाथवे, हर किसी का एपिडेमियोलॉजी सब अलग अलग होती है। ये मानव शरीर इतना जटिल है, इतना जटिल है, कभी अंदर घुस के देखोगे तो समझ में आएगा कि कितना जटिल है। सर आपने घुस के देखा है क्या अंदर? हाँ बिल्कुल देखा, एनिमेशन देखें तो शरीर में घुसना ही तो होता है, और क्या होता है। Many components, they occur naturally in the environment, in our body and in the foods we eat. तो वैक्सीन पूरी तरह से सेफ होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये समझ में आया कि नहीं? वीडियो स्ट्रीमिंग में आपको दिक्कत आ रही है? मेरी तरफ से एकदम सही जा रहा है, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मेरी तरफ से बिल्कुल सही जा रहा है, वीडियो स्ट्रीमिंग एकदम नॉर्मल, मेरे एंड पे कोई एरर मैसेज नहीं आ रहा है, आई एम वेरी सॉरी अगर आपको दिक्कत आ रही है दोस्तों, ये अपने आप रिजॉल्व होगी, थोड़ा सा ये यूट्यूब में कोई वायरस घुसा है मुझे लगता है, ठीक हो जाएगा। Now my dear students, अब आप इसमें जो आखिरी लाइन आ रही है इस लाइन को ध्यान से देखिए। हाँ वो स्क्रीन पर थोड़ा मुझे भी दिख रहा है, हेजी हेजी हो रहा है, बट मेरी तरफ से तो मैंने सब कुछ ठीक कर रखा है यार, यहां से तो सही जाना चाहिए। तो प्लीज मेरे साथ थोड़ा सा कोप अप कीजिए, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे ये होता रहेगा, शायद हंता वायरस घुस गया कंप्यूटर में, देख लेंगे। मैंने खुद ही बोल दिया क्योंकि नए नए लोग आते रहते हैं, वो आते ही सर हंता वायरस हंता वायरस हंता वायरस, नया नाटक चालू कर दिया चीनियों ने। अब आखिरी लाइन लाल वाली बहुत ध्यान से पढ़ लो बेटा, बस यही है सारी बात। द लास्ट लाइन क्या कहती है? आखिरी लाइन, आखिरी लाइन कहती है ऑल इंग्रेडिएंट्स इन द वैक्सीन्स एज वेल एज द वैक्सीन देमसेल्व्स आर थरली टेस्टेड एंड मॉनिटर्ड टू एंश्योर दैट दे आर सेफ। बस अगर आप ये प्रोसेस हटा लो तो 15 दिन में वैक्सीन तैयार हो जाएगा, कौन रोक रहा है? लेकिन वो जो वैक्सीन 15 दिन में आएगा ना, वो जब 100,000 लोग लेंगे उनमें से 90,000 मारे जाएंगे। ये मजाक नहीं है, वैक्सीन्स आर गोइंग टू प्ले विथ योर इम्यून सिस्टम, यू अंडरस्टैंड दैट राइट? एंड सो इट टेक्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट इज नॉट एन ओवरनाइट थिंग। आज जो फास्टेस्ट पॉसिबल है वो 12 महीने, 14 महीने, 16 महीने है, उससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन उससे कम होने की भी संभावना थोड़ी सी कम है। ये समझ में आया आपको? हाँ वीडियो में थोड़ा सा चॉपिनेस आ रहा है, अब मैं क्या करूं, मैं 100 Mbps की लाइन यूज कर रहा हूं,
अब उसके बाद भी चौपिनेस आए तो फिर अब तो भगवान भरोसे ही है, फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो टीकों के सभी हिस्सों, खुद टीकों का परीक्षण हजारों हजारों इंसानों और जानवरों पर किया जाता है, उसके बाद अनेकों अनेकों वैज्ञानिक संस्थान उसके ऊपर सील सिक्का मुहर लगाते हैं, उसके बाद ही पता चलता है कि सब कुछ सही है और फिर वो अप्रूव होता है। दिस इज द होल आइडिया। बहुत अच्छा सवाल अमित ने पूछा है कि अलग अलग वायरसेस के अलग अलग फंक्शंस क्यों होते हैं। That is natural evolution. हमारी पृथ्वी पर इकोलॉजी है, उस इकोलॉजी में निशेस होती हैं, हर नीश का एक फंक्शन होता है, उस नीश के लिए एक ऑर्गेनिज्म प्रकृति बना के भेज देती है। तो जितनी निशेस होंगी उतने ऑर्गेनिजम्स होंगे। साथियों, तो थोड़ा सा आज वीडियो स्ट्रीमिंग में दिक्कत आ रही है आपको कहीं ना कहीं, लेकिन अब उसको हमने ठीक कर दिया है, उसको लेवल कर दिया है। अब 100 Mbps की लाइन पे क्यों दिक्कत आती है यार भाई। हाँ चलो, एनीवे, तो आई होप दिस इज टोटली क्लियर नाउ माय डियर स्टूडेंट्स। तो वैक्सीन्स को बनाने में समय क्यों लगता है, मुझे लगता है कि अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई है या नहीं, मैं बहुत तेज तो नहीं जा रहा हूं। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे चलें। अब ये सज्जन जो हैं, ये मास्क उतार के बहुत नाराज हो रहे हैं, मुझे लगता है गाली बकरे होंगे। जेयर बोल्सोनारो हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति। ब्राजील के राष्ट्रपति ये बोलते हैं, हाँ समीर आपका कमेंट मैंने पढ़ा है, वेरी नाइस, थैंक यू, साथ में जुड़े रहिए। ब्राजील के राष्ट्रपति बोलते हैं कि ये कोरोना वायरस फरोना वायरस क्या, ये अभी बोला है इन्होंने, मतलब इनका पांव धो के पानी हम सबको एक एक घूंट पीना पड़ेगा। जो आदमी आज ये बोल सकता है या पिछले 7 दिन में बोल सकता है कि कोरोना वायरस क्या है, मैं क्यों बंद करूं बॉर्डर्स, मैं क्यों ऐसा करूं, मतलब ये वाकई में महान है। 26 जनवरी को आए भी थे भारत, हमें भी महान बना के चले गए। तो ब्राजील के चरम दक्षिणपंथी राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो, जानते ही आप सब इनको। तो ब्राजील में इनके खिलाफ बर्तन बजा बजा के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मालूम है ना आपको, बर्तन भांडे पूरे ब्राजील में बजाए गए कि जेयर बोल्सोनारो हम सबको मरवा देगा। अब ये गुस्से में आ गए और इन्होंने कहा कि लैटिन अमेरिका, ये पूरा जितना क्षेत्र है सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका का, वहां पर बहुत भयानक रूप से डेथ्स बढ़ने वाली हैं। अब ये डर गए हैं और ये बोल रहे हैं कि ये सब झूठ है, हिस्टीरिया है, ये तो एक छोटा सा फ्लू है, ये तो अभी ठीक हो जाएगा। दिस इज क्वाइट रिमार्केबल। तो अगर प्यारे दोस्तों, अगर आज की तारीख में ब्राजील के राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है, सो दैट स्पीक्स वॉल्यूम फॉर द काइंड ऑफ टोटलिटेरियन राइट विंग रिस्पॉन्स टू दिस। ये समझ में आया कि नहीं आपको? आई होप दिस इज टोटली क्लियर। यह है पूरी कहानी कि क्यों हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जब राष्ट्रपति स्तर का आदमी ये बोल रहा है तो फिर दिक्कत आ सकती है। अब दोस्तों एक स्टेप आगे चलते हैं। यह है डोनाल्ड ट्रंप का वो अद्भुत ट्वीट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एंड एजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एंड एजिथ्रोमाइसिन, ये दोनों कमेंट थ्रेड में लिखी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा, लिखे बिना याद नहीं होगा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, एजिथ्रोमाइसिन, ये दो दवाइयों को उन्होंने पोटेंशियल क्यूर के रूप में प्रस्तुत कर दिया। समझ में आया आपको? अब वो क्या कहते हैं, ये अगर एक साथ लिए जाएं तो औषधि के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति होने से कोई नहीं रोक सकता। आप समझ रहे हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अनेकों पर्वत हिला दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्दी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन से भी दवाई लाकर पूरे अमेरिका से कोरोना वायरस को खदेड़ देंगे। ये समझ में आया आपको? मेरे प्यारे साथियों, आप इस ट्वीट का दो तरह से एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। पहला, फोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप, ये रिफंड। दूसरा, भाई पागल हो क्या, क्या बोल रहे हो तुम? मेरा पहला रिएक्शन इनका ट्वीट देख के मेरे ट्विटर हैंडल पे था कि भाई पागल हो गए हो, क्या बोल रहे हो, दुनिया वालों इनकी बातें मत सुनना। और एग्जैक्टली वही बात डॉक्टर फौची ने कुछ घंटों के बाद बोल दी। अब डोनाल्ड ट्रंप का नॉलेज डॉक्टर फौची से ज्यादा तो नहीं है ना। अब मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या बोला। बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। पूरा जनवरी और पूरा फरवरी 2020 डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते रहे अमेरिकन को, वी हैव एवरीथिंग अंडर कंट्रोल एंड देर इज नो नीड टू पैनिक एंड नथिंग विल हैपन, वी हैव एवरी। मार्च में
ये फूट पड़ा और अमेरिका में बता रहे हैं दसों हजारों मरेंगे, जिस तरह से बीमारी फैल चुकी है। न्यूयॉर्क में क्या हालत है आप पूछ लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। मेरे परिवार के आधे लोग अमेरिका में है, हालत टाइट है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना, और उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, और वो हो रहा है। प्यारे साथियों, अब डोनाल्ड ट्रंप मार्च में क्या कहते हैं कि मैं तो पहले से ही बोल रहा हूं ये पैंडेमिक है। जो आदमी इतना झूठ बोलता है तुम उसकी बातों पे यकीन करोगे? अब ठीक है, लोग करते हैं यकीन, अपनी अपनी एक चॉइस होती है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन विज्ञान क्या कहता है, हम तो भैया आपको वो बताने के लिए यहां आए हैं, और ये रियल लाइफ के एग्जाम्पल आपके सामने है। अब इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, आप बहुत ध्यान से देखेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इन दोनों चीजों को कहा है कि SARS-CoV-2 के लिए ये कारगर हो सकते हैं। अब उनकी खुद की जो टीम है वो बोल रही है कि नहीं नहीं नहीं, इतना जल्दी नहीं। होता क्या है दोस्तों, ये एक ऐसी क्राइसिस है जिसमें जिंदगी और मौत का सवाल है, तो लोग किसी भी तरह आशा की कोई भी किरण को पकड़ कर लटक जाना चाहते हैं। ऐसी चीजों का फायदा डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग बहुत लेते हैं, और ये तो बहुत गलत बात है ना। ट्रंप साहब ने यह ट्वीट कब किया जानते हैं आप? ट्रंप साहब ने ये जो ट्वीट किया ना प्यारे साथियों, ये ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा फ्रांस में 36 पेशेंट्स पे हुए परीक्षण के सफल नतीजे आने पे किया गया। 36, मजाक चल रहा है क्या? 36 पेशेंट एक वैक्सीन के लिए, 36 पेशेंट? अरे 36,000 पे टेस्टिंग होगी तब जाके मालूम चलेगा कि इसकी लाखों वैक्सीन बना के दुनिया में दी जा सकती है कि नहीं। लेकिन अब उस समय इन्हें खुद की इमेज बचाने की इतनी चिंता है, क्योंकि उनकी पूरा लोग क्या कह रहे हैं अमेरिका में, आपको पता है दोस्तों, दैट डोनाल्ड ट्रंप्स प्रेजेंट प्रेसिडेंसी इज गॉन एंड हिज नेक्स्ट प्रेसिडेंसी इज डेफिनेटली गॉन, सो द पर्सन इज एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड राइट नाउ। ये एनालिसिस है। अब लोग मानते नहीं है उसको, वो ठीक है यार, हो सकता। देखिए सीधी सी बात समझो यार, हम सब भगवान से रोज क्या प्रार्थना करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सही हो जाए। अरे भाई बीमारी की दवा आ जाए तो मैं भी तो जिंदा बच जाऊंगा ना, तो मैं तो चाहता हूं कल सुबह वैक्सीन आए। अरे मेरे चाहने से क्या होगा भाई, मेरे चाहने से हो जाएगा क्या? विज्ञान चाहने से नहीं चलता ना। ह्यूमन बॉडी पे जो टेस्टिंग करनी है वो टेस्टिंग तो टेस्टिंग से ही होगी ना, वो आप रातों रात। अब आप बोलेंगे सर कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। मैं ये भी बता देता हूं, ओवर द नेक्स्ट 10, 15, 20, 30 ईयर्स व्हाट विल हैपन, जैसे जैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम मेधा आएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमर्जिंग पैथोजेंस विल बिकम ईजियर। उभरते हुए पैथोजेंस को एडवांस में पकड़ लेना यह संभव हो पाएगा। अरे उसके बाद भी वैक्सीन डेवलपमेंट की प्रोसेस बहुत फास्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप कंप्यूटर सिमुलेशन में वैक्सीन नहीं बना सकते, आपको अंततः उसको ह्यूमन शरीर में घुसेड़ना ही पड़ेगा, और ह्यूमन बॉडी थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड की जा सकती। हम तो टाइम स्पेस में फिक्स्ड हैं, XYZT के हमारा जो फैब्रिक चल रहा है टाइम स्पेस का, उसको मैं फॉरवर्ड नहीं कर सकता ना। मैं एक मूवी को फॉरवर्ड रिवाइंड पॉज, ह्यूमन लाइफ का टाइम स्पेस वैक्यूम कंटिन्यूम एक गति से चलता है, उसको थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर पाएंगे, और जब तक वो नहीं हो पाएगा तो बेटा phase 1, phase 2, phase 3 को क्या आप चेंज कर पाओगे, मेरे को बताओ आप। ये रहे 3 phases, ध्यान से देखो। phase 1 trial में क्या होता है बच्चों, जो अभी हुआ है ना, जिसके दम पे उन्होंने phase 1 trial के नाम पे, सोचिए दुनिया में आशा की इतनी किरण, आशाएं आशाएं आशाएं, कुछ करने की हो आस, आज कोई अरमा हो जो आस पास, आशाएं तूफानों को चीर के। अब बहुत खूबसूरत गीत है, अनफॉर्चुनेटली वो आशा थोड़ी सी लॉन्ग टर्म में हमको रखनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत होगी। जय हो आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो। लेकिन भैया चरण 2 और चरण 3 जो है ना, बस यहां आके 12 महीने कहां निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अब जिसको ये नहीं मालूम है वो उस सत्य को सत्य मान लेगा जो ट्रंप ने बोला है, लेकिन वो तो सत्य नहीं है ना। आई होप दिस इज टोटली क्लियर, यस और नो? पूजा ने मुझे डांट दिया, सर गाना वाना बंद करो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। सॉरी पूजा, अभी तक का क्लियर हो गया कि नहीं? बस ये है सारी सच्चाई। अब ये कोई एक वहां के डॉक्टर हैं, ये कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है। जैसे ही ट्रंप ने ये ट्वीट किया, तुरंत इन्होंने नीचे ट्वीट किया, आप इसको पढ़ो वो क्या बोलते हैं डॉक्टर, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ये एक नॉर्मल डॉक्टर है वहां के, आप बात समझे क्या बोलते हैं वो। ये बोलते हैं डॉक्टर यूजीन ग्यू, द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरो
क्वीन एंड एजिथ्रोमाइसिन टू ट्रीट द कोरोना वायरस हैज नॉट बीन प्रूवन सेफ एंड इफेक्टिव थ्रू लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल. देर इज ओनली एन एनेक्डोटल एविडेंस फ्रॉम अ स्मॉल टेस्टिंग. आई नो दिस इज एन इमरजेंसी, वी आर ऑल डेस्परेट, वी वॉन्ट द मेडिसिन, बट एज अ फिजिशियन एज अ डॉक्टर आई विल फर्स्ट डू नो हार्म. मैंने शपथ ली है और इसका मतलब यह है कि मैं रातों रात कोई भी ड्रग लोगों को नहीं दे सकता, लोग मर जाएंगे. और राजनेताओं को कुछ भी लगे, मैं इस तरह से कभी कोई दवाई रिकमेंड. ये होता है एक वैज्ञानिक का पर्सपेक्टिव, ये होती है वैज्ञानिक सोच, इसको कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट. आप बात समझ रहे हैं? जब तक आप इस बात को ही नहीं समझोगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब होता है सवाल पूछना. मैंने इसीलिए अपनी पहली क्लास में आपसे पहला सवाल पूछा था, व्हाट इज साइंटिफिक. साइंस और टेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा, क्या फायदा है, एग्जाम पास हो जाएगी. लेकिन अगर आप अंधविश्वासी बने रहे तो आपको तो कोई भी उल्लू बना के निकल जाएगा. प्यारे दोस्तों, उल्लू बनना अच्छी बात नहीं है. इतना बड़ा दिमाग, 1500 मिलीलीटर का यह दिमाग आपको दिया है भगवान ने, सोचने की क्षमता दी. यू हैव बीन ब्लेस्ड विद द पावर ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी. और आप ये बोलोगे मैं तो सोचूंगा ही नहीं, मैं तो पागल हूं, मैं तो बुद्धू हूं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना. फिर होमो सेपियन होने का फायदा क्या हुआ? इसलिए मुझे लगता है आपको सवाल पूछने चाहिए, आपको शक करना चाहिए. पॉजिटिव शक की बात कर रहा हूं दोस्तों. कई लोग बोलते हैं ये तो बहुत नेगेटिव बात कर रहा. अरे ये नेगेटिव बात नहीं है, खुद को उल्लू नहीं बनने देना नेगेटिव कैसे हो सकता है यार, ये तो बहुत पॉजिटिव बात है ना. समझ में आ गया अभी तक का आपको? अब इन्होंने ये कहा कि हाइड्रोक्लोरोक्वीन तो बहुत अच्छी दवा है, बहुत लंबे समय से दुनिया में चल रही है, तो किसी को भी इससे डरना नहीं चाहिए. अब एरिजोना अमेरिका में दो बूढ़े लोग थे, देखिए दादाजी दादी जी थे, उन्होंने ये दवाई कंज्यूम कर ली. 30 मिनट में एक की मौत हो गई और दूसरी आज अस्पताल में लगभग मौत की कगार पर पहुंच गई. होता क्या है, जब इतना बड़ा आदमी ऐसा कुछ बोलता तो करोड़ों लोग आंख मूंद के. तो उन्होंने वो दवाई लाई और निकल गए, तो वो बूढ़े व्यक्ति 30 मिनट में ढेर हो गए और वो बूढ़ी माता जी आज वो अस्पताल के बेड पे ऑलमोस्ट ढेर होने की कगार पे बैठी हैं. ये ताकत होती है पॉलिटिशियंस की, लोग आंख मूंद के विश्व. ये बहुत खतरनाक ताकत है यार, इस ताकत का कुछ करना पड़ेगा आज नहीं तो कल. प्यारे साथियों, फिर NCDC सामने आया कि हमने तो अप्रूव ही नहीं किया कुछ भी ऐसा. दुनिया भर के अलग अलग इंस्टीट्यूशन सामने आ रहे हैं क्योंकि दुनिया भर में लोग इतने डेस्परेट हो गए कोरोना वायरस से कि कोई भी कुछ भी बोलता है. उल्लू को रात में कैसे दिखता है, ये सवाल पूछा है किसी ने. मतलब क्या बढ़िया अवेयर कम्युनिटी है यार. हाँ सर, उल्लू को रात में कैसे दिखता है? आंखों का ढांचा, लाइट गैदरिंग एबिलिटी, बेटा ये सब चीजों पे थोड़ा रिसर्च करो, मजा आएगा तुमको. हाँ, और नहीं तो लक्ष्मी माता से पूछ लेना, बता देंगी मेरे वाहन को रात में कैसे दिखता. तो नाइजीरिया में भी ये केसेस हैं, तो वहां के लोगों के लिए ये वार्निंग जारी करनी पड़ गई. और ये हैं डॉक्टर एंथोनी फॉची, ये ट्रंप की टीम के मुखिया भैया, व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस से लड़ने की टीम है. मैं फिर बता रहा हूं, जितने बच्चों ने आज का सेशन लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, करके दिखाएंगे नहीं लिखा है, संदीप सर जिंदाबाद नहीं लिखा है ना, मैं आपको श्राप दे रहा हूं, आप जिंदगी में कभी भी वुहान शहर नहीं जा पाओगे. देख लेना, बता रहा हूं मैं तुमको. हाँ, बहुत खतरनाक होते हैं मेरे श्राप. प्यारे साथियों, डॉक्टर एंथनी स्टीफन फॉची अमेरिकन इम्यूनोलॉजिस्ट हैं. उनके पीछे वाइस प्रेसिडेंट साहब का चेहरा देखो, क्योंकि यहां वो ये बोल रहे कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों में मत आ जाना, बेसिकली वो ये. अब इसके बाद मैं तुम्हें और क्या सबूत दूं भाई, इसके बाद तो बस वो दीवार फिल्म का वो डायलॉग ही बचता है. उसके बाद मेरे भाई तुम जिस कागज पे कहो मैं उस कागज पे साइन कर दूंगा. अब छोड़ो यार. तो प्यारे साथियों, ये है पूरी कहानी. फौची साहब ने बता दिया हमें, समय दीजिए. तो अब आपके दिमाग में जो एक ही सवाल है सभी बच्चों के कि सर ये सारी लंबी चौड़ी बातें आपने ज्ञान की दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे इंसान हो, हमारा भी प्यार आपके साथ है, साक्षात प्रणाम, ये बता दो दवाई कब आएगी, सारी लंबी चौड़ी बातें छोड़ो. तो दवाई कब आएगी का जवाब ये है, सो व्हेन विल वी गेट दी वैक्सीन. रिसर्च 20 से 40 अलग अलग दिशाओं में चल रही है. रिसर्च बहुत अलग अलग दिशाओं में चल रही है ये पता करने के लिए कि किस प्रकार से कौन से पाथवे को हम ब्लॉक कर सकते हैं. ये समझ में आया आपको? अब जिस पाथवे को भी हम ब्लॉक कर पाएंगे, मैंने आपको वो सब पाथवेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है दोस्तों. आप थोड़े पुराने सेशंस पर रोहित वाली कहानी आप पढ़ लो ना, जिसमें हमारा ट्रेजिक हीरो रोहित ही डाइज, तो उसमें मैंने बताया था एक एक करके कैसे क्या हुआ. उसमें से किसी भी एक चीज को आप रोक दो तो वायरस खत्म हो जाएगा, मतलब वायरस का प्रभाव खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना. और आज आपने एंटीजन एंटीबॉडी लॉकिंग भी देखी, तो खुद दिमाग थोड़ा सा लगाओ और आगे फिर बता भी रहा हूं. और इसमें ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गए, कई जगह एनिमल ट्रायल्स के बिना ही ह्यूमन ट्रायल वॉलंटियर्स पे हो रहे हैं, तो ये सारे हेल्दी वॉलंटियर्स हैं, तो ऐसे लोगों को सलाम.
देखिए, आज कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए जो एक बोल रहा है सर वुहान वैसे भी जाना कौन चाहता है, इनके एक्सट्रीमली हाई आईक्यू को हम प्रणाम करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा समझिए कि जिस प्रकार से एनिमल टेस्टिंग के बाद ह्यूमन टेस्टिंग होती है, आज हम डायरेक्टली ह्यूमन टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें हेल्दी वॉलंटियर्स लगेंगे। तो मैं उन सभी दुनिया भर के हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स के लिए ताली बजाता हूं, उन्हें सलाम और प्रणाम करता हूं जिन्होंने इन वैक्सीन्स के ट्रायल्स के लिए खुद को प्रेजेंट किया है। आज ऐसे लोगों की वजह से आप और हम सुरक्षित हैं, ये बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि उनमें से कुछ मर भी जाएंगे, मर सकते हैं, आप बात समझ रहे हैं, इतना आसान नहीं होता है। ये हंता वायरस फिर से आ गया। भाई तुम अभी आए हो क्या 2 मिनट पहले? बहुत महान आदमी हो तुम, अगली क्लास के लिए जल्दी आ गए थोड़े से। लेकिन आज इस बात को समझ लीजिए, 2021 अप्रैल मई के पहले वैक्सीन आ जाएगी, ये उम्मीद करना केवल उम्मीद है, सच्चाई नहीं। अब माफी चाहते हैं दोस्तों, आई हैड टू ब्रेक द बैड न्यूज, बट दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट इज, सो व्हाट टू डू। और मेडिसिन का क्या होगा? देर इज नो कंफर्म मेडिसिन एज ऑन डेट। अब किसी ने बहुत ही प्यारा सवाल पूछा था कि भाई साहब नहीं मतलब सर, ये मेडिसिन और वैक्सीन में फर्क क्या होता है? मेडिसिन आपकी इमीडिएट कंडीशन को क्योर करती है, वैक्सीन अंदर से इम्यून सिस्टम को चेंज करके क्योर करती है। स्वस्ति बोलती सर आप आधे लोगों को टेंशन से मार डालोगे। मुझे वाकई नहीं पता था कि सच सुनना, सच बोलना टेंशन से मर जाने का काम होता है। मुझे तो जिंदगी भर में एक ही चीज मेरे माता पिता ने सिखाई थी कि जो सच है उसको स्वीकार करो, जो सच है उसकी आंख में आंख डाल के देखो, एंड यू विल बी लिबरेटेड। सत्य से बड़ी कोई ताकत ही नहीं होती है। सत्य कितना भी कठोर हो, कितना भी कड़वा हो, कितना भी डरावना हो, वंस यू लुक एट ट्रूथ इन दी आईज यू आर लिबरेटेड ऑफ ऑल द फियर्स। और फिर तो मैं कह ही चुका हूं ना, मौत तो सबको आनी है, तो डरना क्या है। और याद रखना 99% लोग जिंदा बच के बाहर आने वाले हैं, ये भी मत भूलना। हाँ, वो 1% जो मरेंगे, टेंशन वही है। और ये हिंदू का बहुत ही खूबसूरत इन्फोग्राफिक अंत में जाते जाते मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये मालूम होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आई होप कि आपको आज के सेशन में ये समझ में आया कि एग्जैक्टली कोरोना वायरस वैक्सीन और ये सारी चीजों की पॉलिटिक्स क्या है, इन सारी चीजों के पीछे की सोच क्या है। मैं पूरी तरह समझता हूं एक बड़े राजनेता के लिए पैनिक नहीं फैले ये सुनिश्चित करना जरूरी है, लेकिन झूठ बोल के पैनिक नहीं फैले, उसमें क्या होगा? झूठ तो पकड़ा जाएगा ना, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप अगला झूठ लेकर आएंगे। झूठ की श्रृंखला में समस्या यह होती है कि हर अगले झूठ को पिछले झूठ से बड़ा बनाना पड़ता है। फिर एक स्टेज के बाद क्या समस्या होती है? जनता का लोगों पे से भरोसा उठ जाता है, वो तो ठीक नहीं है ना। इसलिए हमारी सबकी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि कल सुबह वैक्सीन आ जाए, लेकिन कहीं सुनी बातों पर यकीन ना करें। पहले मेडिसिन आएंगे, फिर वैक्सीन आएंगे, और मुझे ऐसा लगता है मेडिसिन 3-4-5 महीने में शायद आ जाएं पक्के, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ट्रायल्स, और वैक्सीन जनवरी फरवरी के पहले आने की उम्मीद मुझे कम है। कल आ गई तो भैया सबसे पहले जाके मैं वैक्सीन लगवा लूंगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ टुडे सेशन विच वॉज वैक्सीन एंड COVID-19। आप बताएं आपको सेशन कैसा लगा, क्या आपको एक एक चीज बारीकी से समझ में आई या नहीं? कोई सवाल है आपके तो आस्क मी एनीथिंग, अभी हमारे पास 1-2 मिनट का समय है, पूछ लीजिए। क्या आपके पास कोई सवाल है अगर इसके ऊपर तो पूछिए, कोई भी सवाल अगर आपके पास हो तो कृपया पूछ लीजिए, मैं यही हूं। अगले 3 घंटे मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, कोई भी सवाल पूछिए और मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, जल्दी बताइए। और डरना नहीं है यार, पॉजिटिव रहो, बीमारी है, पैंडेमिक है, उसके बीच में हम खड़े हैं, बच के तो भाग नहीं सकते ना, तो इस आग में से होके निकलेंगे और साथ मिलके निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करके 5 बजे शाम को घंटे घड़ियाल बजाते हुए भीड़ बना के निकलेंगे, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सोचो जरा तुम। हाँ, सोचते वोचते हो नहीं तुम कुछ भी, फालतू की बातें करते हो, साथ में निकलेंगे तो कितनी बढ़ जाएगी इम्यूनिटी हम सबकी, बताइए। आई होप दोस्तों, चलिए, तो ग्लोबलाइजेशन से फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? ऑन द होल ये बहुत अच्छा सवाल है, ये मैं आज का आखिरी सवाल लूंगा। वैश्वीकरण से फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ है, बिल्कुल अपने मन में डाउट मत रखना दोस्तों। वैश्वीकरण ने जितनी प्रोस्पेरिटी क्रिएट की है दुनिया में, अदरवाइज हम कभी भी क्रिएट नहीं कर पाते। ग्लोबलाइजेशन इज अ बून नॉट अ बेन, आने वाले समय में वी नीड मोर ग्लोबलाइजेशन नॉट लेस। अरे वर्तमान प्रॉब्लम ग्लोबलाइजेशन से नहीं आया है, कोरोना वायरस का प्रॉब्लम शी जिनपिंग द्वारा उस समस्या को दबाने से आया है। अगर वो उसी वक्त पब्लिकली एक्सेप्ट कर लेते, जो वो नहीं कर सकते क्योंकि वो एक अथॉरिटेरियन लीडर हैं जो कभी गलत नहीं हो सकता, उस वजह से हम सब मर गए। अगर वो पहले ही मान लेते तो वो वहीं दब जाता, दुनिया मदद करने पहुंच जाती, दुनिया कुछ दिनों के लिए ट्रैवल बंद कर देती, किसी को होता ही नहीं।
लेट अस नॉट मिसडायग्नोज द प्रॉब्लम, आई होप दैट इज वेरी क्लियर। तो साथियों आज के लिए इतना ही, पॉजिटिव रहिए, डरिए मत, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, दिन में 25 बार हाथ पीछे की तरफ से भी बहुत अच्छे से धोइए, डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन करें, डरिए मत, कुछ दिनों में समस्या हल होगी। लेकिन वैक्सीन अभी तक नहीं आया है, मेडिसिन अभी तक नहीं आया, झूठ पे यकीन करने में कोई फायदा नहीं है। मेरी तरफ से इतना ही, इस सच्चाई को जितने लोगों तक फैला सके तो मैं आपका आभारी रहूंगा, क्योंकि एक तरह से पब्लिक सर्विस मैसेज था। अब मैं कल शाम को 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। नमस्ते, जय हिंद।